तो WCC3 के हॉट इवेंट्स का मैच और मेंस T20 टूर्नामेंट 2021 की ये सीरीज है और ये सारे मैचेस तो हमने खेल लिए, पर आज का जो मैच है ये रहने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का, और न्यूजीलैंड की टीम चूज करके खेलेंगे हम इस मैच को। फिलहाल यहाँ पर आज के इस मैच की शुरुआत करने का समय हो चुका है और देखते हैं कैसा रहता है ये मैच। न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का मैच, दुबई का स्टेडियम और पिच कंडीशन डस्टी है। यहाँ पर तो फिलहाल हेड्स हमने चूज कर लिया है और हम चाहेंगे कि फैसला हमारे पक्ष में रहे, और बिल्कुल यहाँ पर फैसला हमारे पक्ष में ही है और बॉलिंग का फैसला किया है हमने। फील्डिंग टीम न्यूजीलैंड की टीम ग्राउंड में आ चुकी है और स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से जो दोनों ओपनर्स हैं वो भी आ चुके हैं, और हमने जो कहा कि आज फैसला हमारे पक्ष में रहे हम चाहेंगे, तो वैसे तो हम रोज ही चाहते हैं, पर आज ये चीज़ चाहने का थोड़ा सा रीज़न अलग है, कारण थोड़ा सा अलग है। वो ये है कि आज हमने सोचा कि क्यों ना एक ओवर आज पहले बॉलिंग किया जाए और उसके बाद फिर वैसे ही ऑटो प्ले करेंगे जैसे कि हम बाकी सारी वीडियोस में करते हैं। फिलहाल यहाँ पर पहली बॉल हमने डॉट कर दी है और बाकी की 5 बॉल डॉट करने की अब कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी फुल लेंथ की ही रखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ये फुल लेंथ की बॉल, और थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश की हमने, गुड लेंथ की तरफ रखने की कोशिश की और बिल्कुल ये डॉट रही। अब यहाँ पर अब अगली बॉल कैसी रह सकती है, अगली बॉल थोड़ी सी और पास और थोड़ी सी और फुल लेंथ की। ओके, तो ये वाली बॉल एक बार डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सामने की तरफ खेल दिया है और ओहो हो क्या कमाल का ये शॉट था, और इस शॉट के साथ यहाँ पर आसानी से एक चौका लगाया, ये 2 बाउंस और डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर। और अब एक चीज़ तो हमें कहना पड़ेगा कि ये वाला जो मैच चल रहा है, मतलब अभी जस्ट हमने शुरुआत ही की है, पर अब ऐसा हमें लग रहा है कि इस मैच में एक ठीक ठाक रन्स बनेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर, और वो इस वजह से हमने कहा क्योंकि पहली 2 बॉल डॉट की स्कॉटलैंड की टीम के इस प्लेयर ने, फिर उसके बाद बाहर निकल कर शॉट खेला और क्या कमाल का शॉट खेला। इस बॉल पर सामने की तरफ शॉट खेला है और बिल्कुल डॉट रही ये बॉल। अब आखिरी बॉल है ये इस ओवर की, और ये बॉल भी अगर डॉट रही तो 7 रन का ओवर जाएगा, जो कि एक ठीक ठाक है। यहाँ पर बिल्कुल ये बॉल डॉट है और कमाल की ये बॉल थी, बिल्कुल यहाँ पर पिच ही नहीं हुई बॉल और डायरेक्ट एक यॉर्कर लेंथ की, और काफ़ी वो एक दूर हमने रखने की कोशिश की थी, और बिल्कुल हम अपने जो हमने प्लान एग्जीक्यूट करने में हम बिल्कुल सही रहे, जो भी हमने प्लान बनाया था कि थोड़ा सा दूर रखा जाए और यॉर्कर लेंथ की रखा जाए, वो हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया अपने प्लान को। पर यहाँ पर अब समय हो चुका है एक 19 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का, और 19 ओवर्स का ऑटो प्ले इस वजह से क्योंकि एक तो ओवर हमने खेल ही लिया है, और यहाँ पर बाकी ऑटो प्ले करने के बाद 179 रन्स बना दिए हैं स्कॉटलैंड की टीम ने, और अब न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए चाहिए 180 रन्स। और हम ओपनर के, मतलब अगर हम ओपनर्स की बात करें तो एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड बैट्समैन को लेकर के आए हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहेंगे स्ट्राइकर एंड पर, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे राइट हैंड बैट्समैन। और अब यहाँ पर समय हो चुका है बड़ा सा धमाकेदार शॉट खेलने का, पर अभी हम नहीं खेलेंगे, पर फिर हमने सोचा कि लॉफ्टेड शॉट पहली बॉल से खेल करके देखा जाए, और बिल्कुल ये ही होता है जब आपने पहले सोचा हो कि लॉफ्टेड शॉट नहीं खेलते हैं, उसके बाद फिर आप सोचें कि ठीक है लॉफ्टेड शॉट खेल लेते हैं, और ये हाँ नहीं वाली चीज़ों में ज़्यादातर आप फंसते ही हैं, और बिल्कुल वो ही हुआ। यहाँ पर विकेट चला गया इस प्लेयर का, इस बैट्समैन का, और अब जो बैट्समैन आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, काफ़ी सारे रन्स बनाए हैं इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से, और हम बिल्कुल देखना चाहेंगे कि आज के इस मैच में ये कैसी इनिंग्स खेलते हैं। पीछे की तरफ लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश और टाइमिंग लेट है, पर बिल्कुल एक चौका मिलेगा, और बिल्कुल मिला यहाँ पर एक चौका, और अब यहाँ पर पहले रन्स आ चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम के लिए, और आगे आने वाले ये तीनों बैट्समैन आपने देख लिए। अब फिलहाल इस ओवर में 4 बॉल अभी भी बची हुई हैं, और यहाँ पर भी लॉफ्टेड शॉट ही खेलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अर्ली रखने की कोशिश करेंगे टाइमिंग, और ओहो हो
यहाँ पर टाइमिंग गलती से परफेक्ट हो गई और पीछे की तरफ एक छक्का लगा और क्या कमाल का छक्का था। और इस छक्के के साथ 10 रन का ये ओवर हो चुका है। जब हमने बॉलिंग की थी तब स्कॉटलैंड की टीम ने पहले ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए थे, हमने 10 रन बना दिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा अर्ली है और डबल लेने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ऐसा में लगता था पहुँच जाएंगे और बिल्कुल पहुँच गए हैं। ये वाला ओवर 12 रन का ओवर हो चुका है। फिर से पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर पीछे की तरफ शॉट और टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेट है और विकेट जा चुका है एक और। और भले हम रन्स के मामले में अच्छे हों स्कॉटलैंड की टीम से, मतलब पहले ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए थे स्कॉटलैंड की टीम ने और हमने कुछ 12 रन बना लिए हैं, पर फिर भी हम बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच चुके हैं इस पहले ही ओवर में। और 2 विकेट जब चले जाएं पहले ही ओवर में तो ये बहुत ही ख़राब रहता है और वहाँ से कमबैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। एक लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश करेंगे गली के फील्डर के ऊपर से और वो टाइमिंग ये भी बहुत अर्ली थी और अगर ये कैच विकेट चला जाता और वापस जाना पड़ता इस बैट्समैन को उसकी पहली ही बॉल पर। खैर फिलहाल यहाँ पर समय हो चुका है एक 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का। पहले ओवर में हमने 15 रन बनाए और 2 विकेट भी खो दिए तो ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बात है, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करेंगे और देखेंगे कि 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद क्या कुछ स्कोर रहता है। तो ठीक है अब यहाँ पर समय हो चुका है 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का और कर दिया हमने। और ओके तो 2 बैट्समैन और जा चुके हैं हमारे और दोनों में से किसी ने अच्छा नहीं खेला है। मतलब अगर हम अभी तक की बैटिंग की बात करें तो सभी बैट्समैन ने कुछ 16 17 15 ऐसे रन बना करके गए हैं तो उससे तो खैर कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर हम चाहेंगे कि कोई एक बैट्समैन रहे जो टिके और आगे लेकर के जाए न्यूजीलैंड की टीम की इनिंग्स को ताकि ये वाला मैच हम जीतें। बिल्कुल यहाँ पर अब एक सामने की तरफ शॉट खेलने को देखा जा सकता है और कोशिश करेंगे सामने की तरफ शॉट खेलने की और बिल्कुल अर्ली नाइस ट्राई टाइमिंग के साथ हमने एक शॉट खेला है डबल लेने की कोशिश और शायद पहुंच जाएंगे और बिल्कुल और शायद मिक्स होकर के निकला, पर ठीक है। अभी करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो 9.63 का है, पर जो दिक्कत की बात है ना यहाँ पर कैच तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कैच का चांस नहीं है। एक डबल मिल जाएगा आसानी के साथ और बिल्कुल मिल गया। हाँ तो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर रन रेट की दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत इस चीज़ की है कि हमारे 4 विकेट गिर चुके हैं और एक और अर्ली टाइमिंग के साथ शॉट खेला था और हमें लगा कि एक और विकेट ना चला जाए। खैर इस वाले ओवर की हम बात करें तो 7 रन का ये ओवर अभी तक के हो चुका है, 2 बॉल अभी भी बची हुई हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग यहाँ पर कमाल की है, गुड टाइमिंग के साथ शॉट खेला और बिल्कुल एक चौका बटोरा है और 11 रन का ये ओवर हो चुका है, 1 बॉल अभी भी बची हुई है और अगर इस बॉल पे भी बाउंड्री लग जाए एक चौका मिल जाए तो मज़ेदार सीन हो जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट, टाइमिंग गुड है और एक और चौका मिल सकता है और बिल्कुल मिला है। और इस चौके के साथ ये वाला ओवर जो है ये 15 रन का ओवर रहा, पहले वाले ओवर में भी 15 रन आए, इस ओवर में भी 15 रन आए और कमाल का ये मैच अभी तक के चल रहा है। हम विकेट हमने खो दिए पर बैटिंग ठीक ठाक हो रही है और अब यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि एक और 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद जो बैटिंग बची रहेगी उसमें थोड़ा सा संभाला जाए। बिल्कुल यहाँ पर 5 ओवर्स का ऑटो प्ले हमने कर दिया और अभी तो थोड़ा बीच में मतलब संभालने की कोशिश की है, पर फिर भी उतना कोई नहीं खेला, मतलब 23 रन बना करके एक और बैट्समैन हमारे चले गए हैं। यहाँ पर फिलहाल एक बॉलर आ चुके हैं और पीछे की तरफ उन्होंने शॉट खेला है और सिंगल लेकर हम स्ट्राइकर एंड पर लेकर के आएंगे इस बैट्समैन को जो कि एक ठीक ठाक खेल रहा है, मतलब 20 बॉल में 37 रन इन्होंने बना दिए। यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट एक खेलने की कोशिश और इस लॉफ्टेड शॉट के साथ अर्ली टाइमिंग के साथ एक डबल मिल सकता है और बिल्कुल वापस से स्ट्राइकर एंड पर आएंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और 39 रन बना चुके हैं बैट्समैन। यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट थोड़ा सा सामने की तरफ है और छक्का है ये कमाल का,
काफ़ी अच्छी कोशिश थी वहाँ पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा कि एक कैच पकड़ा जाए, पर वहाँ पर बिल्कुल चांस ही नहीं था क्योंकि बिल्कुल स्टैंड्स में डिलीवर हुई ये बॉल और 45 रन्स पर पहुंच चुके हैं बैट्समैन इस छक्के के साथ। इस बॉल पर पीछे की तरफ शॉट खेला है और टाइमिंग अर्ली है, पर एक डबल फिर भी मिलेगा और बिल्कुल आसानी के साथ पहुंचे हैं और 47 रन्स सिर्फ 3 रन दूर हैं। और अगर इस बॉल पर चौका लग गया तो बिल्कुल यहां पर ओके, यहां पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा अर्ली थी और चलो अर्धशतक तो नहीं हुआ, ये तो खैर कोई बात नहीं, पर विकेट नहीं गया ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी भी कुछ रन्स बने हैं, मतलब बचे हैं बनाने को, बने हैं नहीं मतलब बचे हैं बनाने को। और अगर ये वाला विकेट चला जाता ना तो बहुत ही ख़राब स्थिति में हो जाती न्यूजीलैंड की टीम और 56 रन्स अभी भी चाहिए जीत के लिए और अभी भी यहाँ पर थोड़ा मैच बचा हुआ है, यानी कि अब 12 बॉल में 10 रन चाहिए हमें बनाने के लिए और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर विकेट ना चला जाए क्योंकि अगर एक विकेट गया तो यहाँ पर हम मैच हार जाएंगे। तो 12 बॉल में 10 रन बनाना मुश्किल नहीं है पर 12 बॉल में विकेट बचाना मुश्किल है। और ये तो यॉर्कर लेंथ की बॉल यहाँ पर डाली है इस बॉलर ने और हम एक डबल लेने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल यहाँ पर एक डबल आसानी के साथ हमने ले लिया है और अब 8 रन और चाहिए जीत के लिए। और अभी जो मतलब स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है वो एक बॉलर है, यहाँ पर अर्ली नाइस टाइमिंग के साथ शॉट खेला है, चौका मिलना चाहिए और बिल्कुल मिला है एक चौका, सिर्फ 4 रन दूर हैं ये अपने अर्धशतक से नहीं, सिर्फ 4 रन दूर हैं ये अपनी जीत से और अपनी टीम को जीत दिलाने से। और बिल्कुल 10 बॉल में अब 4 रन चाहिए और 10 बॉल में 4 रन, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा एक मज़ेदार चीज़ है कि 10 बॉल में 4 रन चाहिए और हम ये कहने वाले थे कि 10 रन, क्योंकि ये मैच इतना ज़्यादा थ्रिलिंग चल रहा है ना। और ओके यहाँ पर हमने एक ट्रिपल ले लिया और सिर्फ 1 रन की हमें ज़रूरत है जीत के लिए और बस विकेट ना चले जाए इस बॉल पर। और बिल्कुल यहाँ पर अर्ली टाइमिंग के साथ शॉट खेला और 1 रन हमने ले लिया और जीत चुके हमें इस मैच को। 8 बॉल अभी भी बची हुई थी और 1 विकेट के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने ये कमाल की जीत अपने नाम की है और बहुत ही मज़ेदार ये जीत रही। वैसे किसी ने कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की पर लास्ट के समय में इन्होंने एक अर्धशतक बनाया, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा।